बारिश के सीजन में मौसम खुशनुमा हो जाता है। बारिश से बचने के लिए लोगों को हमेशा अपने साथ छाता कैरी करना पड़ता है, जिसे लाने में बड़ा आलस आता है, और बारिश के मौसम में छाते को काफी देर तक हाथ में पकड़े हुए भी दर्द हो जाता है। इस दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए जापान के एक युवा ने एक उड़ने वाला छाता बनाया है, जिसे आपको पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि छाता खुद ही हवा में उड़ता हुआ नजर आएगा। हैरान मत होना, ये तकनीक जापान ने विकसित की है। इस छाते की सबसे खास बात ये है कि इसमें सेंसर लगा है, जिसके वजह से ये छाता सिर के आसपास घूमता रहेगा। इस छाते का वजन 5 किलोग्राम है। फिलहाल छाते को हवा में केवल 5 मिनट तक उड़ सकता है। इस छाते को बनाने वाली कंपनी आशी पावर इस नमूने पर काफी समय से काम कर रही है। कंपनी का लक्ष्य है कि 2020 में होने ओलंपिक और पैरालंपिक से पहले यह छाता लोगों के बीच पहुंच सके। जापान की एक आईटी कंपनी ड्रोन पर आधारित उड़ने वाले इस छाते को बना रही है। कंपनी के प्रेसिडेंट केंजी सुजुकी ने बताया कि इस तरह का छाता बनाने का प्लान उन्होंने 3 साल पहले बनाया था। उनका मानना था कि ऐसा छाता होना चाहिए कि दोनों हाथ व्यस्त होने के बावजूद उसका इस्तेमाल किया जा सके।